जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज आंसर की जारी होगा, कुछ ही देर में जारी होगा। हम लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे देंगे। और आज बात करेंगे हाथ क्यों कांपने लगता है, दिल एकदम इतना ज़्यादा क्यों धड़कता है। थोड़ा सा एकदम चर्चा करेंगे क्योंकि ये विषय एकदम बहुत ही ज़बरदस्त है, कितना लोग तो गड़बड़ा जाता है, तो इस सबसे दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम बात करेंगे आंसर की। जब NTPC का मेंस मिलाते थे ना, तो मेरा भी हाथ थोड़ा थोड़ा कांपने लगता था, और लास्ट में इतना कांपने लगा ना, जैसे 6 से 7 गलती होता है, इतना ज़्यादा हाथ कांपना लगता है ना कि जो बलग में बैठा था हम मिला देते हैं, तो लास्ट में वो मिला जाए। तो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जीवन का ये किसी का आखिरी एग्जाम होता है, वो सोच में डूबा रहता है कि क्या होगा अगर रिजल्ट नहीं होगा, 60+ 65+ नहीं आया, जो उसका टारगेट था, मिनिमम टारगेट था कि इतना कम से कम आएगा, उससे कम आता है, तो सब सोच रहता है। और किसी का, आप तो जानते हैं कि अभी कोई एग्जाम नहीं है रेलवे में, 2023 तक कोई संभावना नहीं है रेलवे में कोई एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ से भी थोड़ा सा दबाव बनता है, मानसिक दबाव, जिसके कारण थोड़ा सा जैसा ही 5 से 6 5 गलती तक तो हाथ उतना नहीं कांपता, दिल उतना नहीं धड़कता, ऐसे कितना तो खाना पीना बंद एकदम लगता होगा, क्या होगा, ठीक है। क्योंकि जो एकदम बॉर्डर पर आता है ना, उस सबसे, क्योंकि रिजल्ट है, कोई कंफर्म नहीं कर सकता है मेरा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मानसिक दबाव होता है, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम होता है। अब 5 गलती तक तो किसी का कोई दिक्कत नहीं होता, जैसे 6 गलती होगा, चलते चलते 10 गलती होता है ना, तो पूरा हाथ जो है इस तरह से करने लगता है, एकदम पूरा एकदम आँख एकदम पूरा लाल हो जाएगा, एकदम इस तरह से होता है। मेरा हुआ था और फिर बहुत सारा लड़का हुआ है, तो क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ भगवान भरोसे है, ठीक है, क्योंकि रेलवे ऐसा पेपर ही था। चलिए अब थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे ही 10 से 11 गलती होगा थोड़ा सा कापेगा, 12 गलती होगा, 13 गलती, जैसे ही 15 के आसपास पहुँचिएगा ना, आपका हाथ जो है ना पूरा स्लाइड कीजिएगा इधर, तो हो जाएगा इधर। इसलिए आप लोग स्थिर से मिलाना है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छा खासा, मतलब इतना नंबर आ जाए कि रिजल्ट से लेकर मेरिट तक बन जाए, बस इतना ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सफल हो जाए बस, ठीक है। क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा जो मोहर जो ईश्वर लगा है ना, बहुत ख़राब मोहर होता है और बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी का एकदम रिजल्ट हो जाए, मेरिट भी बन जाए, ठीक। क्योंकि रिजल्ट से काम होने वाला नहीं है, मेरिट तक पहुंचना होगा, क्योंकि रिजल्ट नहीं होता दिक्कत नहीं है, लेकिन हो गया मेरिट नहीं बनता तो बहुत दिक्कत होता है। तो आप लोग का एकदम दिल को एकदम कंट्रोल रखना, आराम से मिलाना, अच्छा रिजल्ट होगा, बस भगवान से प्रार्थना करते हैं। और चलिए, जय हिंद, नमस्कार। आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा, थैंक यू।